नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज चैनल में। जैसे कि 4 अक्टूबर से हम लगातार आप सबको अपडेट दे रहे थे रिगार्डिंग 7th एडिशन स्टेट लेवल हंगपन दारदा मेमोरियल ट्रॉफी जो नमसाई डिस्ट्रिक्ट में हो रहा था, और आज के दिन में वॉलीबॉल बोथ फॉर बॉयज एंड गर्ल्स का फाइनल हो चुका है। और साथ ही साथ अभी थोड़ी देर पहले ही गर्ल्स कैटेगरी का फुटबॉल भी फाइनल हो चुका है। तो आज दिन भर का जो इवेंट है उसके जो मैच कमिश्नर उनसे अपडेट लेंगे, साथ ही साथ डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स से हम अपडेट लेंगे रिगार्डिंग कल के प्रोग्राम को लेकर जो क्लोजिंग सेरेमनी होने वाला कल के दिन 13 अक्टूबर को, उसके बारे में। तो पूरे रिपोर्ट के लिए हमारे साथ बने रहिए। उससे मैच कमिश्नर से मिलने से पहले और डायरेक्टर से अपडेट लेने से पहले जो ग्लिम्सेस है आज दिन भर का जो इवेंट का देखिएगा, उसके बाद हम मैच कमिश्नर से मिलते हैं। टुडे चिपकेस आरसी कांपर डिप्टी कमिश्नर नमसाई ग्राउंड पे प्रवेश करें। अंडर 16 गर्ल्स फुटबॉल पैरा और आज का दिन है गर्ल्स अंडर 16 का फाइनल। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आपको आज हम लोग ने फाइनल पपम परेक के साथ खेला है, और एक्सपीरियंस तो मेरा अभी 2 टाइम्स था, और बाकी लोग कोई कोई नया है और ये स्टेट लेवल के लिए। तो ठीक ही था, सब बहुत टफ था, थोड़ा बहुत ये फाइनल मैच। सब पपम परेक के साथ था, पूरा टूर्नामेंट कौन से टीम को हराने में सबसे ज़्यादा टफ लगा? सबसे ज़्यादा टफ सेमी में मिला था ये अपर सुबंसरी, तो उसके साथ बहुत सबसे ज़्यादा तब था। आज उस दिन से जितना भी मैचेस खेला गया है तो सबसे सेमी में तब मिला था हम लोग को अपर सुबंसरी डिस्ट्रिक्ट के, और हम लोग ने फिर भी खेला, अच्छा परफॉर्मेंस दिया और हम लोग ने जीत हासिल की। आपका जो कोच है और आपका जो DSO ना जो आपको गाइड करके ले गया, इवन आपका टीम एज ए कैप्टन आपका तरफ से उन सब के लिए कुछ बोलना चाहेगा? हमारे टीम कोच टीम लोहित का चौना भैया जी है, और उन्होंने बहुत हमारे साथ बहुत सपोर्ट किया और बहुत ही अच्छा मतलब अभी मोटिवेट करते हुए, और हमारे ईजान भैया जी से मैनेजर है, और उन्होंने भी हमें बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया, और DSO सर ने भी सपोर्ट किया, यहाँ तक लेके आया। टीम के लिए टीम मैम टीम बहुत ही अच्छा है, टीम लोहित बहुत ही अच्छा है, और उसका कारण हम लोग ने टीम अच्छा का वजह से हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस के साथ जीत हासिल की, फाइनल मैच भी जीता। तो आखिरी में एज अ कैप्टन जितना भी टीम था ना वॉलीबॉल बॉयज टीम जी, उन सभी को आपका तरफ से कुछ बोलना चाहेगा? जितना भी टीम से बहुत अच्छा ही था, तो हर जीत तो होता ही है, गेम एक पार्ट है ना हार जीत का भी, तो सभी लोग ठीक ही था, तो एक ना एक आगे पीछे तो जाना ही है हार जीत, तो फिर कोई हार गया कोई आगे निकल गया ऐसे हो गया। सब टीम अच्छा था और एक्सपीरियंस भी बहुत मिला, ऐसे सीख मिलता है ये सब यहीं आने से। आप लोग का ये जो टीम है दूसरा बार जीता है ना, कैसा लग रहा है और एक्सपीरियंस कैसा था बताइए ओवरऑल? गुड मॉर्निंग सभी को। सबसे पहले हम ये जो जितना भी ऑर्गेनाइजर टीम है उसको शुक्रिया अदा करती हूँ, और साथ में जितना भी हमारे DSO सर, उसके बाद हमारे कोच, उसके बाद जितना भी मीडिया है वो लोग को भी, उसके बाद जितना भी अभी ये इधर में सपोर्टर आया है वो लोग को भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और मेरा टीम नहीं होने से
बहुत मुश्किल था, मतलब वो लोग भी बहुत साथ दिया है और मेरा बात को भी पूरा कोऑपरेट किया है और बहुत अच्छा लग रहा है ये बार जीत के। 11 साल भी जीता था और जीत हाँ और नेक्स्ट ईयर भी आएगा हम लोग, और साथ में जितना भी हम लोग का स्टेट का मतलब छोटा छोटा बच्चा उसके बाद बहन भाई लोग है वो लोग को भी अच्छे से मतलब और सिखाने से और होगा लगता है। और यहाँ का जैसे ऑर्गेनाइजर का आप लोगों ने बोला, आप तैयारी कैसे थे, एक्सपीरियंस जितना भी आपका कम्पिटिटर्स था ना, हाँ, जो अगेंस्ट में खेला ओपोजिशन में, कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ में? ओपोनेंट सबसे टफ किसको लगा, मतलब आज तो नामसाई के साथ में खेला है लेकिन प्रीवियस ओवरऑल जो टूर्नामेंट में सबसे टफ किसको लगा? नामसाई उसका, हाँ उसके बाद कारा दादी भी टिकता टीम जो तभी था। सर लास्ट ईयर भी आप कोच थे, आई गेस आने वाले बार भी अधिक कोच होने वाले हैं, कंसेक्यूटिव टू टर्म्स सीएम गर्ल्स ने अभी जीता है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले वो अपना DSO सर को थैंक यू बोलेगा, या तो दोजी सर सीओ का हम DSO इंचार्ज है, और जितना भी मेरा ऑफिशियल है, जितना भी ऑफिशियल आया है फुटबॉल का, वॉलीबॉल का और फुटबॉल गर्ल्स, जितना भी चार हम लोग आया था उसका थैंक यू सो मच, और सबसे पहले उसके बाद थैंक यू सो मच प्लेयर का बदौलत से ये हम लोग जीता है, मतलब सबका मेहनत से जीता है। उसके बाद ये हम लोग 2 टाइम से कंसेक्यूटिव, इसलिए हम तो बहुत खुश है और प्लेयर का साथ आज मिल के हम लोग जो जरूर इसका मतलब जैसे कंसेक्यूटिव 2 टाइम्स का चैम्पियन बनने का जरूर पार्टी होगा। थैंक यू सो मच। ओके ओके नमस्ते। आज का वॉलीबॉल रिजल्ट इस प्रकार, पपुम पारे और लोहित खेले गए थे, इसमें लोहित ने पपुम पारे को डिसाइडिंग सेटों में हराया, तो फर्स्ट सेट जो है लोहित लिया 25-15 से, फिर दूसरा सेट जो है पपुम पारे ने लिया 25-21 से, और डिसाइडिंग सेट में लोहित ने अपने पक्ष कर लिया 15-9 से। इस बार का विनर है लोहित और रनर्स अप रहा पपुम पारे। सबसे पहले टीम जो फाइनल आके दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन, सीओमी विनर रहा आज का जो फाइनल है, साथ ही साथ हमारे जो इस हमको दादा का मीडिया पार्टनर अरुणाचल टुडे को भी बहुत शुक्रगुजार हम लोग का वॉलीबॉल का तरफ से। तो आज फाइनल मैच खेला गया था नामसाई और सीओमी के बीच, जो सीओमी ने सीधा स्ट्रेट सेट में 25-17 25-15 से जीता, और ये सीओमी के लिए कंसेक्यूटिव 2 टाइम्स हो गया अंपंग दादा 6th edition और 7th edition को उनका नाम डिस्ट्रिक्ट भी कंटिन्यू ले लिया। तो ये हमारा आज का जो फाइनल मैच था जो वॉलीबॉल का गर्ल्स का, और वन सेकेंड कॉन्ग्रेचुलेशन सीओमी और नामसाई दोनों को जो फाइनल मैच अच्छा परफॉर्मेंस दिया, साथ ही साथ जो हमारा इस ग्राउंड मैन जो है ना मैडम, मैं आपका चैनल के द्वारा मैं ग्राउंड मैन जो यहाँ का जो वॉलीबॉल का ग्राउंड मैन जो है इंचार्ज जो है उनको भी थैंक यू, जो अच्छा इतना हमें प्रोविजन दिया, खेल हमारा आज 7 हमपंग दादा वॉलीबॉल जो पूरा सक्सेस हो चुका है और कंप्लीट हुआ है, इसके लिए थैंक यू। हाय एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है कि आज गर्ल्स का फाइनल था, तो आज ये फाइनल मैच का स्कोर तवांग ने 2-0 से जीता है इस कमिंग के अगेंस्ट में, थैंक यू वेरी मच। हमारा जो 7th edition स्टेट लेवल हमपंग दादा मेमोरियल ट्रॉफी 2024 नामसाई में हो रहा है, और हम लोग का शुरू 4th से हुआ था ओपनिंग सेरेमनी, और क्लोजिंग कल 13 को हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। तो कल हमारा चीफ गेस्ट तपिरगांव ऑनरेबल MP ईस्ट, देन हमारा जो गेस्ट ऑफ ऑनर हमजोंग तंगहा, ये दो कल हमारा जो क्लोजिंग में चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर, और कल हमारा पब्लिक गैदरिंग 12:30 को होगा और हमारा खेल 1:30 से शुरू होगा। तो इससे करके मैं सबसे जितना भी हमारा जो नामसाई के डिस्ट्रिक्ट के जितना भी वासियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कल हमारा क्लोजिंग सेरेमनी में आइए, प्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में आइए और हमारा खेल देख कर आनंद लीजिए। मैं सबका ये जितना भी नामसाई डिस्ट्रिक्ट के जितना भी पब्लिक को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कल हमारा जो क्लोजिंग सेरेमनी में आइए प्लीज़।